जनपद संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री का व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल की संस्तुति पर युवा प्रदेश महामंत्री रितेश कुमार गुप्ता ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संभल जिले के चंदौसी निवासी शाह आलम मंसूरी को अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है। उनके प्रदेश मंत्री बनने पर संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के बिग ग्लोबल पार्क होटल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता व संदीप बंसल ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। व्यापारी जगत के साथ साथ आम जनता की समस्याओं को निस्तारित करने का पूर्ण रूपेण प्रयास करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर व्यापारियों में काफी खुशी का माहौल था। अखिल भारतीय युवा व्यापार मंडल का आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, प्रदेश मंत्री बनाया गया, क्या कहेंगे उसमें आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और लखनऊ में जो बैठक हुई तो उसमें लक्ष्य रखा है उन्होंने कि हिंदुस्तान से 1 करोड़ युवा व्यापारियों को जोड़ा जाएगा, और ये उन्होंने जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है तो इसे मैं बाखूबी निभाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा युवा व्यापारी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में शामिल करूँगा और जो है युवा उद्योग व्यापार मंडल और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को जो लक्ष्य है और जो अध्यक्ष जी का माननीय अध्यक्ष जी का जो संकल्प है उसे पूरा करने में पूरा जो है सहयोग करूँगा। अभी आपने मिठाई खिलाई एक दूसरे को, खुशी मनाई है, हाँ बताइए। आज बड़ा गर्व का विषय है कि चंदौसी में से एक हमारा युवा नेता मीडिया प्रभारी शालम मंसूरी को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चंदौसी का नाम आया है। ये बड़े गर्व का विषय है कि चंदौसी के अंदर एक युवा नेता को प्रदेश मंत्री बनाया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। इसलिए हम सबको गर्व है और हम उसको बधाई देते हैं कि वो इतना बढ़ चढ़ के काम करें कि सबके दिलों में बस जाए और यहाँ से लेकर लखनऊ तक उसका नाम हो। सारा मंसूरी।